पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे मनसा माता हादसा पीड़ित परिवार के घर। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेंद्र कुमार सैनी, आप देख रहे हैं राज न्यूज केडीएल। कुछ दिनों पहले 29 मई 2023 को झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के मनसा माता के धार्मिक आयोजन से वापस आते वक्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली गहरी खाई में गिर जाने से मणकसास ग्राम पंचायत के राजीवपुरा गांव के एक परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो जाती है। आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजीवपुरा पहुंचकर मृतकों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए तथा पीड़ित परिवार के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे तथा रास्ते में जगह जगह पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का स्वागत किया गया। दिल्ली सड़क मार्ग से होते हुए कोटपुतली, पाटन, नीम का थाना तथा जड़या बालाजी स्टैंड से राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा काफिले में शामिल होकर चला गुहाला तथा ताल मणकसास होते हुए राजीवपुरा पहुंचे। उक्त वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पायलट की संतावना कितनी है, कुछ देखो आदमी को वापस करना सी, लेकिन जो अनार सांत्वना जी है अड़िया थोड़े कौन संबल बढ़ाया कौन थोड़ो संबल संतुष्ट हुआ अपना कोई बात नहीं कराया आदमी तो दो दो बार अनार के साथ 8 आदमी। कितनी एक ही परिवार से कितनी जगह दिन भी हादसे का शिकार हो गया आठ कितना की हरे मृतक ने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है के कुछ आश्वासन दे दिए पायलट जी आए थे, क्या सांत्वना देखे गए हैं परिवार को? और उसके लिए परिवार वालों को डॉक्टर्स मिला के गए और ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना है। उस दुर्घटना के अंदर हम मौजूद थे और वहाँ पे अगर आदमियों की व्यवस्था नहीं होती तो हमारे और कई भाइयों की जान दस गाड़ियों की आदमी व्यवस्था होने के कारण जो घायल थे और हमारे भाई बच गए और ऐसा हादसा कहीं भी नहीं हो और पायलट साहब आने पे सबको हिम्मत सरकार को पाबंद कर रखा था। 4 आदमियों के नाम नहीं जुड़े, सही बात सहमत जोड़ दिए होंगे और चिरंजीवी योजना में सबको लाभ मिलेगा। हम यहाँ पूरी मॉनिटरिंग के अंदर यहाँ एसपी साहब टच में थे, 4 आदमी के नाम जुड़े थे आज सहमत साहब ने जोड़ दिया तो भी इनकी सरकारी मदद पूरी मिलेगी। तो सरपंच साहब जो घायल थे वो कैसे हैं उनका? घायल अब बिल्कुल सब स्वस्थ बाकी उसी को लाभ मिला है जो बढ़िया गया जगह तो भैया है।